1 मार्च 2022 को मैं अपने कुछ दोस्तों निखिल जॉन, अरुण कामत, आशय कामत के साथ मांगर के कुछ अनएक्सप्लोर्ड एरिया में नेचर और बर्ड वॉक के लिए आया। आज हम यहाँ कुछ रैप्टर की तलाश में इस एरिया की तरफ बढ़े। हम लगभग सुबह के 7:30 बजे मांगर पहुंचे और अपनी कार पार्क करने के बाद हम एक मंदिर के अपोजिट जंगल की ओर जाने वाली एक पगडंडी पर चलने लगे। यह मेरे लिए एक नया रास्ता था और इस रास्ते में पहले सिर्फ थोड़ी दूर तक ही आया था। रास्ता काफी पथरीला था और बहुत खूबसूरत बर्ड्स जैसे कॉमन चिपचैफ, लेसर व्हाइट थ्रोट, प्लम्प हेडेड पैराकीट, रोज रिंग पैराकीट, कॉमन वुडशाइक और बहुत सारे खूबसूरत बर्ड्स और उनके चहचहाने की आवाज चारों तरफ से आ रही थी। यह जगह इंडियन ईगल आउल और नाइट जार के लिए एक अच्छा स्थान है। रास्ता काफी पथरीला और खड़ी चढ़ाई होने के कारण हम सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही आगे जा पाए और फिर वापस आने की सोची। यह जगह मांगर दिल्ली हरियाणा सीमा पर सटे मांगर गांव के बगल में एक खूबसूरत घाटी और पहाड़ी जंगल में स्थित है। यह अरावली रेंज में अंतिम शेष प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय वनों में से एक है। इनमें 30 से अधिक देशी वृक्ष प्रजातियां हैं जो 100 से अधिक देशी झाड़ियों और जड़ी बूटियों के साथ संपन्न है। यह जंगल सभी वन्य जीवियों, जानवरों और दुर्लभ पक्षियों को आश्रय प्रदान करती है। पक्षियों की खोज करते समय हमें एक क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल मिला। यह एक मध्यम आकार का ईगल है जिसकी लंबाई लगभग 50 से 74 सेंटीमीटर, वजन 420 से 1800 ग्राम और पंखों की लंबाई 109 से 170 सेंटीमीटर होती है। यह पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दूरबीन से स्कैन करते समय हमें एक और ईगल दिखाई दिया जिसे स्टेपी ईगल कहते हैं। मध्यम से बड़े आकार के इस अकीला की लंबाई 60 से 81 सेंटीमीटर, वजन 2000 से 4900 ग्राम और पंखों का फैलाव 165 से 214 सेंटीमीटर तक होता है। ईगल का फिल्मांकन करते समय हमें ग्रे हॉर्न बिल भी दिखाई दिया। इसके बाद एक व्हाइट बेली ड्रंगो ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। इस खूबसूरत ड्रंगो को देखने के लिए मांगर सबसे अच्छी जगह है। पार्किंग की तरफ लौटते हुए हमें 3 स्पॉटेड आउटलेट भी दिखाई दिए। इसके पश्चात हम अपनी कारों के साथ मोहित फार्म की तरफ बढ़ते हैं। मोहित फार्म बर्डिंग के लिए एक और अच्छी जगह है।
यहाँ हमने कॉमन हॉक कुकू, वुड श्राइक और पक्षियों की कुछ और प्रजातियां देखी। दोपहर के 12 बज चुके थे, इसलिए पक्षियों की गतिविधियां काफी कम हो गई थी। आज यहां हमें पक्षियों की 67 अलग प्रजातियां दिखाई दी। हमने अपना लाइट रिफ्रेशमेंट लिया और घर की तरफ चल पड़े। मांगर जैसी जगह धरती पर स्वर्ग जैसी है, खासकर जब यह गुड़गांव और फरीदाबाद के कंक्रीट जंगल व एनसीआर के भारी ट्रैफिक से घिरा हुआ है। एनसीआर में हर दूसरे खुले स्थान की तरह मांगरबनी को भी कंक्रीट के जंगल में विकसित होने का खतरा है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।